अच्छा मसूद साहब, पाकिस्तानी नजाद अमरीकी है, वो बहुत ज़्यादा इस बार दिलचस्पी ले रहे हैं इंतखाबात में, और यही एक बड़ी वजह सामने आ रही है कि कुछ स्टेट्स में वहाँ पर उर्दू में बैलेट पेपर भी शाया करने का फैसला किया गया, जबकि एक बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की भी बस्ती है अमरीका में, बांग्लादेशी भी है। खुद भी हमने देखा कि वहाँ पर उर्दू में बैलेट पेपर्स, और वो इंडियंस और बांग्लादेशियों को भी उर्दू के ही बैलेट पेपर इस्तेमाल करने की सहूलत हासिल होगी, इसके अलावा किसी ज़बान में वहाँ बैलेट पेपर्स का नहीं है। शिकागो की जो इलेक्शन कुफ्ता दी है, देखिए बात यह है कि वहाँ इतना बड़ा डायस्पोरा है, इंडियंस बहुत सारे हैं, हमारे अपने लोग कितने हैं, बांग्लादेशी कितने हैं, तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है दैट वे फॉर द कैंडिडेट्स। इसीलिए आपने देखा कि गो के मिडल ईस्ट क्वेश्चन पे दोनों कैंडिडेट्स का मोर लेस एक ही स्टांस है, एक ही पोजीशन है। बिल्कुल गाजा में जो कुछ हो रहा है, जो जेनोसाइड हो रहा है, उस पर वो लोग बिल्कुल खामोशी से ब्लाइंड आई टुवर्ड्स हैपनिंग। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो इसराइल की खुल्लम खुल्ला मटेरियली और डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली सपोर्ट की है, तो उनको असला दिया जा रहा है, तो इससे जो एलिनेशन खुसूसन मुस्लिम वोटर्स में है वो खासी गहरी हुई है। तो ट्रेडिशनली मेरा ख्याल है कि आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो इंडियंस हैं और पाकिस्तानी हैं, दे हैव बीन सपोर्टिंग डेमोक्रेट्स, पर इस वक्त जो है कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी ये मिशिगन गए थे, वहाँ पर मिशिगन में बहुत सारे मुसलमान हैं, वहाँ पर मिशिगन के मेयर ने गालिबन डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है, तो इस किस्म के इश्यूज हैं। देखना ही है कि किस तरफ जो है वो झुकाव होता है। फाइनली ये जो मिडिल ईस्ट का क्वेश्चन था ना, इसके ऊपर काफ़ी वहाँ पर यानी कि अमेरिकन पॉपुलेशन में भी एक डिवीजन आई है कि इतना कुछ हो रहा है, और देखिए ना कितने मैसिव रैलीज वहाँ पर हुई हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसमें अमेरिकन्स ने, जो वाइट अमेरिकन्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसराइल की लॉबी इतनी स्ट्रांग है कांग्रेस में, मीडिया में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।